इतिहास की अतुलनीय देन और बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार एशिया में अगर कहीं किया गया था तो वो देश है श्रीलंका। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंधी वंश का शासन रहा। भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था और तभी से यहाँ बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बेहद लंबे समय के इतिहास के चलते बौद्ध संस्कृति ने श्रीलंका में अपने पांव पसारे। आज इस छोटे से द्वीप के पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होती है। इस छोटे से द्वीप में सैर सपाटे का पूरा खजाना है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई शानदार मंदिर हैं, जहाँ आप बौद्ध धर्म का पूरा जीवन दर्शन और इतिहास देख सकते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र है। श्रीलंका में इस प्राचीन धरोहर को देखना एक अनुभव होता है। हालांकि श्रीलंका का लिखित इतिहास 2000 साल से भी कम पुराना है, पर वहां की स्थापत्य कला के प्राचीन नमूनों से साफ झलकता है कि श्रीलंका बहुत पहले से ही एक विकसित क्षेत्र रहा है। श्रीलंका के प्राचीन वैभव को देखने के लिए किसी जमाने में यहाँ की राजधानी अनुराधापुरा की यात्रा जरूर करें। इस शहर में प्राचीन भग्नावशेष और भव्य स्तूप चारों ओर दिखाई देते हैं। पर्यटकों को लुभाने वाले ये स्तूप 1500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके पास ही विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पवित्र श्री महाबोधि वृक्ष भी है, जिसे सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने अनुराधापुरा से मंगाया था। माना जाता है कि ये वृक्ष भारत में बोधगया स्थित उस महाबोधि वृक्ष का ही एक अंश है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और जिसकी एक टहनी महेंद्र अपने साथ ले गए थे। यहाँ समाधि में लीन बुद्ध की प्रतिमा भी है, जो मूर्ति कला की अद्भुत मिसाल है। वैसे पूरे अनुराधापुरा में इस तरह की मूर्तियों, मंदिरों और पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है, जहाँ पर्यटक खो से जाते हैं। तो वहीं कोलंबो से 216 किलोमीटर की दूरी पर अनुराधापुरा के पास पहाड़ों को काटकर बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां भी देखने लायक हैं। यहां आराम करते बौद्ध और खड़े बुद्ध की विशाल मूर्तियां आपको जरूर आकर्षित करेंगी। तो वहीं सिगरिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर दम्बुला है, जहां एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें बुद्ध की 150 से भी ज्यादा मूर्तियां एक कतार में लगी हैं। इसकी छत पर भी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये गुफाएं लगभग एक शताब्दी की बनी हुई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा विराजमान है। दम्बुला की इस मंदिर में 5 गुफाएं हैं। गुफाओं में भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक विरासत है। श्रीलंका के इस वैभवशाली इतिहास में गौतम बुद्ध के दर्शन होते हैं। वाकई ये देश अपने अतुलनीय इतिहास को आज तक सहेजे हुए है। तो देखा आपने एशिया ने किस तरह से गौतम बुद्ध के अवशेषों को आज तक सहेज कर रखा हुआ है। जनता के लिए नासिया रहमान।